हेलो गाइस, मैं गुफरान अंसारी, आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरलीकरण, यानी आपको सरल करके हम बताएंगे और आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चलिए गाइस, हम इसको शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को जो लाइक करना हो तो कर ही देना है, ठीक है गाइस, क्योंकि एक वीडियो बनाने में तो मेहनत मत पूछो, बहुत ज्यादा लगता है। तो गाइस, हमारे पास क्या है, 7 + 7 + 7 + 7, लेकिन है वो ब्रैकेट के अंदर, 7 + 7 + 7 + 7, ये है ब्रैकेट के अंदर और फिर भाग आपका 7 है, ठीक है गाइस। तो यहां पर क्या है, 7 + 7 + 7 + 7 और भाग क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद भाग आपका 7 है। अब उसके बाद बट्टा में आती है, नहीं बट्टे के नीचे जो लिखा हुआ है 7 + 7 + 7 + 7 + और ये आपका भाग 7 है। गाइस, हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले जोड़ करें कि घटा करें, कि पहले भाग करें कि पहले गुना की, आप ब्रैकेट का करेंगे। तो गाइस, आज हम आपको क्लियर बताने वाले हैं कि कैसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है, यानी आज आपको पूरा क्लियर बताएंगे। तो गाइस, आप ये ध्यान रखो कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट वो भी सबसे छोटी छोटी ब्रैकेट को पहले करना है। छोटी के बाद आपको आ जाना है मंझली ब्रैकेट में, ठीक है। मंझली ब्रैकेट के बाद आपको आ जाना है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ब्रैकेट का बाद आएगा तो पहले ब्रैकेट छोटी, उसके बाद मंझली और उसके बाद बड़ी। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, अब उसके बाद ये तीनों के बाद, अब देखो ये तो आपका क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर का बात हो गया। अब बात कर लेते हैं जोड़ घटा गुना भाग में। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्या, भाग का काम करना है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, गुना का काम करना है। उसके बाद फिर आपको जोड़ का करना है, फिर घटा का करना है। तो यहां से आपको सीखने को क्या मिला कि सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट से बड़ा कोई नहीं है, पहले ब्रैकेट को करना है, ब्रैकेट को करने के बाद आपको भाग करना है, भाग करने के बाद गुना, और गुना के बाद फिर जोड़ और फिर आपको घटा करना है, ठीक है। तो पहले आपको भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम क्लियर इसमें समझाते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा भाग, है ना, यहां पर भाग है, लेकिन भाग से पहले भी तो क्या, ये गुणनखंड है, सॉरी यहां पर क्या है आपका, यहां ब्रैकेट है, है ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को करते हैं, ये आपका ब्रैकेट हो गया। तो गाइस, यहां ब्रैकेट के अंदर जो हमारा क्या है, 7 + 7 + 7 + 7 है। तो देखो, 7 + 7 = 14 और 14 + 7 = 21 और 21 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। तो जो हमने कर दिया यहाँ 28, अब उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा यहाँ भाग, और आपका भाग हो जाएगा यहाँ पर 7। अब गाइस, यहां से आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान से इस वीडियो को देखो। तो क्या हो गया गाइस, 7 + 7 + 7 को जोड़े 28 हो गया, भाग 7 कर दिए, जो कि आपको यहां नजर आ रहा था, क्योंकि आपको जो पहले बताया गया है कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, उसी नियम से आपको पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना पड़ा। अब उसके बाद गाइस, यहां पर क्या करेंगे, 7 + 7 + 7 यहां भी जोड़ने, क्या 7 + 7 + 7, क्योंकि 7 + 7 + 7 कितना हो जाएगा, 28 और भागा फिर 7 कर देंगे। क्या इस तरह लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहां ब्रैकेट थोड़ी ना है, या ब्रैकेट है क्या, जब ब्रैकेट नहीं है तो पहले भाग करेंगे, ब्रैकेट के बाद भाग होता है ना, ब्रैकेट के बाद भागे तो बताए थे, तो ब्रैकेट जब है ही नहीं तो क्या करना है, भाग करना है। तो भाग भाई इन दोनों के बीच है, किन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच है भाग, तो भाग भी इन्हीं दोनों के बीच होगा। तो लो गाइस, हम भाग करके आपको सिखाते हैं। तो 7 + 7 + 7 ये तो आपका उतना ही रहेगा, पहले इसको हम भाग कर लेते हैं, तो क्या देगा, 7 + 7 + 7 + देखो 7 + 7 + 7 ये 7 आपका रहेगा, तीनों ठीक है, तीनों 7 है। अब उसके बाद 7 + 7 करेंगे, यानी 7 को 7 बार में जब भाग करेंगे, 7 आदमी को बांटेंगे, यानी 7 आम है और 7 आदमी को देंगे, तो कितना आम करके पड़ेगा, 1 आम करके पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है गाइस। इस 7 को हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आप यहाँ पर क्या है, 7 + 7 + इसको हम लिख कर फिर से बता रहे हैं, 7 + 7 + 7 फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, इस भाग को हम 7/7 कर देंगे, काट देंगे तो क्या यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा ना, 1/1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, वही किए हैं 7 + 7 + 7 + यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब गाइस क्या करते हैं, अब इसको तो हम भाग कर सकते हैं ना, 28 को 7 से जब भाग करेंगे तो आपका गाइस आ जाएगा 7 × 28, 4 बार में टूट जाएगा, 4 आ गया, और नीचे आपका क्या आ गया, देखो तो
सात 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 सत्य 21 और एक कितना आ गया आपका 22 आ गया। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, 2 × 4 और आपका 11 × 22, तो 2/11 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका यहाँ पर हमने रफ में समझाया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना, नोट यानी कि बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि मेरा वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक वीडियो